हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अभी अभी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हरियाणा पुलिस से संबंधित एक नया नोटिस आया है। और ये क्या है नोटिस, इसी पे हम बात करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करामा जो सरकारी नौकरी, आपके लिए लेकर आया है लेटेस्ट नोटिस। यहाँ से दोस्तों, उसकी मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है। ये रही, इसमें बताया गया है कि दोस्तों ये रहा दी पॉइंट ऑफ 5 इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका पॉइंट 5 है उसके ऊपर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT एंड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इशूड बाई कमीशन एंड 1 फरवरी 2019 में वी रीड। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके लिए बताया गया था कि जिन बच्चों ने नॉलेज टेस्ट क्लियर किया है उन्हीं के लिए, उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया गया है। इट इज़ ए क्लियर दैट सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन PST। ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ पहले थी दोस्तों, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सेपरेटली अलग अलग है। ये कंडक्ट ऑफ PST कनेक्टिंग विद फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट आर टाइमिंग सेम एंड लाइकली चेंज, यानी पहले एक कंडीशन थी कि आपने अगर SI या IRB या कॉन्स्टेबल में से किसी एक का फिजिकल कर दिया तो आपका सभी में क्वालिफाई मान लिया जाएगा, बट अब चेंज हो गया है। ये रहा दोस्तों, लाइकली टू चेंज, ऑल सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ईच कैटेगरी पोस्ट सेपरेटली एंड हिज रिजल्ट फॉर PST शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि आपको हर हर अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग फिजिकल देना पड़ेगा। और यही हरियाणा सरकार ने संशोधन किया है, लेकिन पहले ऐसा कर रखा था कि आपको अगर आपने SI का एग्जाम किया था उसका, आपका अगर IRB में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, या कॉन्स्टेबल में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बट अब आपका अगर SI में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका SI छोड़कर आप IRB दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही जानकारी थी और कुछ ज़्यादा इसके अंदर था नहीं, बस यही जानकारी आपको लिख रहा था। अगर मेरे द्वारा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी इस नोटिस का पता लग सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।